हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 35 नंबर तार और 36 नंबर तार से पंखे वेंडिंग करने में क्या अंतर होता है। क्या 35 नंबर तार से पंखा वेंडिंग करने में स्पीड का क्या मसला रहता है? दोस्तों, 35 नंबर तार से वेंडिंग किया हुआ पंखे की स्पीड 36 नंबर तार वाले पंखे से हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उसका पता ऐसे नहीं चलेगा जब हम पंख लगाएंगे, तब जब पंखे पर लोड पड़ेगा तो 35 नंबर तार वाला जो पंखा है वो थोड़ा 36 नंबर से ज़्यादा तेज़ चलेगा, क्योंकि 35 नंबर तार मोटी होने के कारण इसमें जो लोड उठाने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हम हर पंखे को 35 नंबर तार से वाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए, जो स्टेटर पतला रहेगा, मतलब पतला रहेगा और जिसमें कॉयलों की संख्या है जो कम ज़्यादा रहेगी, उसके हिसाब से हमें वेंडिंग डाटा देना पड़ेगा। पतले स्टेटर में हम 35 नंबर तार नहीं डाल सकते, उससे क्या होगा, पंखा हीट होगा और पंखे की स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन पंखे की लाइफ कम जाएगी, पंखा जल्दी हीट होकर जल जाएगा। और 36 नंबर तार है उससे हमारे टर्न की संख्या ज़्यादा आ जाती है, स्लॉट में टर्न की संख्या 36 नंबर से ज़्यादा आ जाती है, उसके कारण हमारे जो पंखे के मतलब रिस्टेंस है वो ज़्यादा बन जाती है और पंखा जल्दी हीट नहीं होता। और 35 नंबर तार आप मोटे स्टेटर में बिल्कुल डाल सकते हैं, जो भारी पंखा होता है उसमें आप डाल सकते हैं, और हल्की बॉडी के पंखे में थोड़ा सा आपको 36 नंबर तार डालना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे पास दो पंखे हैं, ये भी 14+14 स्लॉट का पंखा है, अंदर भी इसके 14 स्लॉट हैं और बाहर भी इसके 14 स्लॉट हैं, और इसके जो स्टेटर साइज है वो इसका 1.5 mm, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, मतलब 15 mm के करीब है। और इसमें हमने इसको ओरिजिनल वेंडिंग तो इसका 36 नंबर से होना था लेकिन हमने इसे 35 नंबर से किया है, क्योंकि इसकी बॉडी भारी है, इसका जो बॉडी का वेट है वो ज़्यादा है, इसलिए हमने 35 नंबर तार से इसमें पतले होने के कारण इसमें 5-5 टर्न ज़्यादा दिए हैं। इसमें अंदर में हमने 350 टर्न और बाहर में 370 टर्न 35 नंबर से दी हैं। और ये देखिए, ये भी 14+14 स्लॉट का पंखा है और इसमें हमने इसी प्रकार इसका जो स्टेटर साइज है वो 18 mm है, मतलब 1.8 सेंटीमीटर, तो इसमें हमने 340 टर्न अंदर दी है और 340 टर्न 35 नंबर से बाहर दी है। ये इसका अच्छा डाटा, इसमें स्पीड भी इसकी बनेगी। और इन दोनों में हमने कैपेसिटर है वो 2.5 का लगाना है। अगर हम ज़्यादा का 3.15 का कैपेसिटर पंखे को लगा देंगे तो कोई बात नहीं, इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन ये 1 से लेकर 1.5 साल के बीच बीच में इसकी अंदर वाली कॉइल जल जाएगी। अगर ये अंदर वाली कॉइल 36 नंबर से होगी तो वो 1 से 1.5 साल भी नहीं निकालेगा, वो जल्दी जल जाएगी 36 नंबर। 35 नंबर आपका धीरे धीरे हीट होकर के अंदर वाली कॉइल जल जाएगी। आप ज़्यादातर पंखे में देखते होंगे कि ज़्यादा पंखे में हमेशा अंदर वाली कॉइल है जो जली रहती है, उसका कारण होता है कैपेसिटर का ख़राब होना। पंखा कभी भी नहीं जलता दोस्तों, पंखा आप देखे होंगे 100 में से ऐसा कोई पंखा होगा जो बिल्कुल जला होगा, किसी का लीड ख़राब हो जाता है और किसी का अंदर वाला वेंडिंग है जो ख़राब हो जाता है। और किसी किसी पंखे में भाई हैं जो ऐसे पेपर नहीं लगाते बीच में, इसके कारण इसके बीच में शॉर्ट होने के वजह से यहाँ से कॉइल जल जाती है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर मन में कोई सवाल हो तो उसके लिए कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।